Hello everyone. Now we are going to study about data independence. Data independence schema से related है. तो हम पहले क्या करते हैं, schema को देख लेते हैं. Database schema में होता क्या है? तो database schema में three levels होते हैं. सबसे outer level होता है external level. Middle का level जो होता है उसे कहा जाता है logical level. और जो इनर मोस्ट लेवल होता है उसे कहा जाता है फिजिकल लेवल. तो डाटा इंडिपेंडेंस क्या बोलता है, यदि हम फिजिकल लेवल में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो उसका इफेक्ट लॉजिकल लेवल पे नहीं पड़ना चाहिए. साथ ही डाटा इंडिपेंडेंस ये भी बोलता है, जब हम लॉजिकल लेवल में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट एक्सटर्नल लेवल पर नहीं पड़ना चाहिए. एक्चुअली इसी को कहा जाता है डेटा इंडिपेंडेंस. मीन्स अगले लेवल की डेफिनेशन को इफेक्ट किए बिना किसी लेवल में चेंजेस करना, और ये बिल्कुल पॉसिबल है. देखिए फिजिकल स्टोरेज पे क्या रखा हुआ रहता है, डेटा. अगर हम डेटा को फिजिकल स्टोरेज में से हटा दें तो लॉजिकल लेवल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? हम ऐसा कह सकते हैं कि इफेक्ट पड़े ही ना, क्योंकि तो लॉजिकल लेवल मीन्स क्या हो जाता है, अगर हम लॉजिकल लेवल की बात करते हैं, लॉजिकल मीन्स हो जाता है कॉन्सेप्चुअल लेवल. कॉन्सेप्चुअल लेवल में ऐसा, इसके अंदर हमने एसक्यूएल का यूज़ किया हुआ है, हमने स्ट्रक्चर खड़ा किया ओनली कि कौन से डेटा को लाना है, कौन से डेटा को फिजिकल से ले जाना है. ओके तो ये पॉसिबल है कि फिजिकल में चेंजेस करने पे लॉजिकल में इफेक्ट ना पड़े. ठीक उसी तरीके से लॉजिकल क्या होता है, जिस हमने भी देखा एसक्यूएल स्ट्रक्चर, अगर हम इसके एसक्यूएल में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो यूज़र का जो लेवल है एक्सटर्नल लेवल, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इसे कहा जाता है डेटा इंडिपेंडेंस. यदि कोई भी डाउट आपकी तरफ से कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व दैट डाउट. थैंक यू सो मच.